गाइस कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई पिछले वीडियोस में एक बात आई थी कि आपने गाड़ी की क्लासिक वीडियो नहीं बनाई थी पिछली बारी में, तो गाइस मैंने इस बार सोचा कि यार अगर एक बार क्लासिक वीडियो निकाल ही लो। तो भाई आ चुकी है आपके सामने क्लासिक वीडियो, एक क्रेटा, ये तो दूसरी है, इसकी भी बता दूंगा मेरे को पकड़, क्योंकि हमारी है नहीं है, एक ही बलैनो, क्यों इसकी तो मैं आनी है पर लेकिन उसकी भी 1% आ सकती है। तो भाई बलैनो के बारे में बताने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आरजी व्लॉग्स है ना गाइस। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा इन नीड में हूँ भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। तो भाई अभी तक हम खड़े हैं, अभी वीडियो बनाना है, स्टार्ट करता हूँ। तो भाई अभी करते हैं स्टार्ट। पहले तो मैं आपको बलैनो की लुक के बारे में बताऊँगा, तो फर्स्ट लुक के स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए भाई, फर्स्ट में आता है इसका ये बोनट। भाई मैं आपको बताऊं, इसका बोनट इतना हैवी है, बड़े लोगों के लिए मेरे के लिए देखो कुछ नहीं। ये देखिए भाई ग्रिल तो भाई नॉर्मल वाली है, आजकल बलैनो की बढ़िया आ रही है, वाइल तो नॉर्मल है कोई नहीं, क्योंकि भाई ये 2017 मॉडल है बलैनो सिग्मा का। भाई ये देखो नंबर प्लेट भाई 5052 लगा रखी है, वैसे कहीं नंबर प्लेट दिखानी नहीं चाहिए भाई, नंबर प्लेट कैरी तो नहीं है खैर यार, क्योंकि गाइस मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद 0002 या 0000 है। फोग लैम सी देखो भाई, सिस्टम एलवी शादा वाला सिस्टम भाई। इसकी बलैन में आप कोई सा भी बलैन तो क्या मारुति नेक्सा अरेना कोई सी भी गाड़ी ले लो भाई, जो लोगो है ना भाई इनका अलग ही चमकता है। देखो भाई एक तो बड़ा लोगो है, बड़े की बात नहीं है भाई, चमकता अलग है भाई ये, पता नहीं मारुति वाले कैसा लोगो बना के देते हैं हर गाड़ी पे, ये देख रहे होंगे भाई बाद में इनकी इंजन स्पेसिफिकेशन। भाई वाइपर अच्छे वाइपर्स हैं भाई, इनके ब्लेड शार्प है भाई, नए नए ब्लेड्स हैं। तो गाइस दूसरा चलता है भाई अलॉयस, तो भाई इस टाइम इस गाड़ी के भाई देखते हैं, चलो गाइस अलॉयस साइज देखते हैं एक बार भाई, इस टाइम गाड़ी की कौन सा R185 R15 15 इंच के साइज है ये गाड़ी का, टायर 15 का है, और भाई 185 इंच की है ये, नहीं 185 कुछ और होगा, इस 8S का है इसका मतलब भाई, जो ये वाली मोटेगी है ये तो पूरा 15R का है, SS8SS ये है भाई ये चीज, और ये इसके लिए ऊपर चलते हैं भाई, और यहाँ पे ये आते हैं नॉर्मल वाले जो कि हमें हैंड वाय होते हैं भाई, ये सबसे बेकार चीज़ है भाई मारुति को, ये बेस मॉडल में कर देना चाहिए था यार, ये गाड़ी जब भाई अनलॉक या ऑन हो जब स्टार्ट हो गाड़ी तभी अपने आप ही खुल जाए, भले भाई यार ये तो बेकार लगता है ऐसे करना यार, वही देखो भाई खोलना पड़ता है फिर अपने आप ऐसे खुल जाते हैं, बंद करने में देखो भाई खोलने में कुछ नहीं है, खोलूंगा बस नहीं धक्का मार दिया खोल गया, बंद करने में भाई सबसे ज़्यादा जान भर करने में लगती है, छोटे बच्चे तो भाई इसको बंद करने में नहीं कर रखते भाई। और ये अंदर से देखिए गाड़ी अगर आपको दिख रही हो, क्या मस्त गाड़ी है भाई बलैनो भाई, स्पीडोमीटर देख रहे हो भाई, दिख रहा है स्पीडोमीटर नहीं यार शायद आप दिख ही रहा, छोड़ो सॉरी गाइस स्पीडोमीटर दिखाया था वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में, भाई ये देख रहे होंगे भाई सिस्टम भाई। अभी और आगे चलते हैं, ये भाई ये भी बढ़िया है यार, डोर हैंडल्स भाई, पर लेकिन जो ब्रेजा है उसका जो बेस मॉडल है पुरानी वाली का हमारे पास में खड़ी है भाई, आगे उधर आगे खड़ी होगी अगर आपको दिखा दिखा दे रहा हूँ तो भाई देखना गाइस कवर चढ़ी हुई गाड़ी दिख रही है ना ऑल्टो के बराबर में, वही है भाई ब्रेजा, उसके भाई डोर हैंडल्स ब्लैक हैं, बेस मॉडल है वाइट कलर का भाई, मैं तो बहुत बेकार गंदी लगती है भाई गाड़ी गाइस, बैक से देखिए भाई बैक से ही सब लोग इसको पसंद नहीं करते, मैं तो पसंद करता हूँ भाई, ये देखो क्या क्या है भाई, क्या है ये क्या है ये क्या चीज़ है भाई, ये कम से कम नेक्सा वालों को यूँ नहीं देना चाहिए वे शेप, उनकी किसी गाड़ी में भाई ऐसा नहीं है किसी भी भाई, कुछ दिनों में गाइस शायद जिमनी की वीडियो आने वाली है तो वो भी दिखाऊंगा मैं, पर लेकिन भाई इस गाड़ी में देखो क्या यार मज़ा नहीं आया पूरी गाड़ी में भाई, क्या चीज़ है क्या है क्या है, देखना देखना भाई ये रिवर्स है
ये इंडिकेटर है जो राइट साइड का है, और भाई इसमें सिक्स पार्टिंग लाइट में सिक्स ब्रेक्स हैं, वन ब्रेक असिस्ट लाइट, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। गाइस अभी आपको थोड़ा मैं क्लियर दिखाने के लिए रुकाता भाई, यहाँ पे भी है ये तो भाई जलती नहीं, बस ये दिखाने की है भाई। ये देखो भाई शीशा अच्छा भाई, यूनिक बस्ट सर्विस भाई इसकी यूनिक से हुई है। नेक्सा नेक्सा भाई हर गाड़ी पे नेक्सा किया ही आता है भाई। कुछ दिनों में जो जिमनी वाली वीडियो आने वाली है ना, मैं फर्स्ट टाइम जिमनी को बैठूँगा, देखूँगा भाई फर्स्ट टाइम कैमरा। दिस इज आउट ऑफ मार्केट है कैमरा नंबर थ्री। ये भाई पार्किंग असिस्ट के पार्किंग लाइट्स बैक की, इसमें भाई रात के सॉरी पार्किंग लाइट्स कह रहा हूँ, रिफ्लेक्टर्स रेड ब्रेक यहाँ पे भी है, एक अच्छा रिफ्लेक्टर यहाँ पे भाई। ये रिफ्लेक्शन नहीं है भाई, ये तो मेन लाइट है जो ब्रेक में चलती है, यही ना चले तो भाई अपना ब्रेक ही नहीं लगता भाई, मतलब कहते हैं लोग ऐसे। ये फुल टैंक आज भाई दो वीडियो निकल सकती है भाई, क्रेटा की भी निकल जाए क्या पता, वैसे निकलेगी नहीं शायद। ये देखो भाई ये फ्यूल का भाई, अभी आप देख रहे होंगे ये वाले मस्त लगते हैं भाई, स्पेशली उसमें साइड से देखा, इस वाले साइड से देख लो भाई, और भाई इतने सॉफ्ट है भाई ये। ये देखो तो भाई अभी इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो भाई मेरे कहने का तो ये है कि अगर आप लोगों को गाड़ी लेनी है तो फिर आप देखो इसका बजट भाई इस टाइम पे भाई आपको पुराने ले नहीं सकते, ले सकते हो सेकंड टाइप सेकंड हैंड टाइप भाई। अगर आप नहीं ले रहे हो तो मैं पहले नहीं बताता हूँ भाई, नई गाड़ी या अगर आपके पास टॉप मॉडल ले लो तो भाई ऑटोमेटिक हो जाए मैनुअल आएगी पेट्रोल में है ना गाइस, और आएगी आपकी ओनली भाई देखो कैसी आएगी 10 लाख रुपये में, ये गाड़ी आएगी 10 लाख रुपये में। चलो उसका इतना प्राइस भी बनता है, चलो यार भाई इसका टॉप मॉडल इस टाइम 22 लाख रुपये का है शायद से, हाँ भाई इसका 22 लाख रुपये का है भाई। इसका देखो कितना भाई मुझे मज़ा ही नहीं है भाई, 10 लाख रुपये में टॉप मॉडल वो भी इस गाड़ी का बताओ भाई। अगर आप सेकंड हैंड खरीद रहे हो चाहे नई हो चाहे पुरानी, तो भाई आपको चलेगा उसका टॉप मॉडल करीबन 8.5 लाख रुपये का पड़ेगा, 9 लाख रुपये तक का पड़ जाएगा आपको शायद, 8.5 लाख रुपये का भाई इसका बेस मॉडल अगर आप न्यू लेते हो तो भाई वो आपको 8 लाख रुपये का 8.5 लाख रुपये का पड़ेगा, और अगर आप पुरानी लेते हो सेकंड हैंड तो भाई वो आपको इस टाइम में 7.5 तो नहीं गाइस मैं समझ नहीं पा रहा, 7 लाख रुपये का पड़ जाएगा। अगर आप और ज़्यादा ही करवा के ले रहे हो मतलब कुछ ज़्यादा ही कह रहे हो तो प्लीज़ कम करें, तो वह आप 6.5 से कम लगाएंगे नहीं, 6.5 लाख रुपये से भाई अभी। और भाई इसकी सबसे अच्छी बात बताता हूँ, अब एडवांटेजेस हैं भाई इस गाड़ी के कि ये गाड़ी हैचबैक, मैं बताता हूँ इसके एडवांटेजेस क्या हैं भाई। गाड़ी हैचबैक सेगमेंट में नंबर वन है, इससे बढ़िया हैचबैक सेगमेंट में भाई कोई गाड़ी है ही नहीं, कोई भी ले लो चाहे कॉम्बैक कैसे भी सेगमेंट ले लो हैचबैक में भाई बेस्ट। गाइस आपको भी आवाज़ सुनेंगी म्याऊ, कैसे पिल्ले देखो पिल्ले दो दो उधर भी एक है दिखाता हूँ मैं आपको छोटी छोटू बच्चे। गाइस गाड़ी की वीडियो में भाई कैसा आ गए भाई, मेरे तो मन भी नहीं कर रहा देखो, यस ब्लैकी देखो भाई आ जा भाई आ जा भाई, ये पोटी पोटी सब कर देते हैं इनका कोई भरोसा ना है पर। लेकिन भाई सबसे बढ़िया भाई कितने क्यूट है आपको दिखाता हूँ, वाइटी ब्लैकी सॉरी ब्लैकी 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 बाहर चल ब्लैकू वीडियो ब्लॉग आ जा गाइस, देखो क्या बस पिल्ला है ब्लैकी
तुम्हारी गाड़ी। सबसे बढ़िया इसके एडवांटेजेस हैं ये गाड़ी, ये गाड़ी आ रही थी तुम लोगों में, देखो भाई चलने लगे भाई, देखो कैसे बैठाइए पहले का भाई। और डिसएडवांटेज गाड़ी की है भाई प्राइसिंग, बस प्राइसिंग गाई, बस प्राइसिंग भाई फीचर्स के नाम पे गाड़ी में भाई अच्छा तो आता है। देखो भाई मैं मना नहीं कर रहा, मैं गाड़ी पे पा रहा फीचर में बेस्ट है भाई पहले कि उसके हिसाब को प्राइस भी यार ज़्यादा है इसका, क्योंकि अगर एक लोग वो सारा प्राइस सुना कि गाड़ी 10.5 लाख रुपये में आपको डिलीवर करते हैं भाई। अगर यही गाड़ी, सॉरी गाइस, अगर यही गाड़ी भाई ये 9.5 लाख रुपये या फिर 9 लाख रुपये में डिलीवर करें तो भाई आज के टाइम पे हर बंदे के पास बोलेरो होगी। क्यों? प्राइसिंग की वजह से कोई नहीं खरीदेगा। हाँ बोलो, गाड़ी के अंदर से भी दिखाएंगे? नहीं भैया, पापा ने लॉक कर रखी है। तो भाई नहीं था भाई, पापा ने लॉक कर रखी थी। तो भाई अगर आपको आज की वाली वीडियो भाई बेस्ट वीडियो तो नहीं, हाँ मतलब बेस्ट ऐप ही मान लो मेरे चैनल की बेस्ट वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में बताना भाई कैसी वीडियो थी और आपको कौन सी और चीज़ के लिए वीडियो चाहिए, मैं बता दूंगा भाई। गाड़ियों के मामले में तो बहुत करने का टाइम आ चुका है तो भाई अब तो बाय करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो शेयर करके तब बना लूँगा। तो बाय गाइस।